रूना, ही तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या तुम्हारा फ्यूचर खाकान ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ? मेरा क्यों ताल्लुक होगा? एक्सक्यूज मी, हाय। चलो, अब ये मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। यू नो, हमारा इस तरीके से बार बार मिलना, आई गेस तुम्हारे दोस्तों को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और मैं ये नहीं चाहता कि ये बात तुम्हारे घर तक पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि पहुंचे। कुछ तुम, आई कांट बिलीव इट्स यू, इतने सालों गुजर गए। नहीं जोए, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती हुई लड़कियां नहीं भूल सकती। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, जस्ट लाइक यू। मम्मी की याद आ रही थी पापा। मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। देखो बेटा, मैं तुम्हें जितना भी प्यार दे दूं ना, तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता। अच्छा बताओ, क्या हुआ है? कोई बात तो है जो तुम अपने बाबा से छुपा रहे? सुहेब को फसूल में इतनी डांट पड़वा दी। अंकल ने बहुत डांटा होगा उसको। क्यों किया तुमने ऐसा बेटे? What happened? समझ नहीं आ रही कि मैंने क्यों किया ऐसा। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा ना? मुझे तस्वीर तो दिखाओ। Who's this handsome man with your mother over here? Huh? He's my mother's boyfriend. मुझे खुशी होती है जब कोई कहती है मेरे पापा है। आप किस तरह लग रहे हैं वैसे? थोड़े से बोलो। ओ, मैं चलता हूँ और आप तुम भी सोचो मेरे लिए भी। बेटा सो जाओ। I love you भाई। I love you पापा। सो जाओ, बाद में बात करेंगे। ओके, give my love to your mom। भैया आपको क्या फिक्र? हाँ, अरुणा तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। आप आराम करें। चलो, ये भी खूब कही आपने। भैया आपने ये किससे कह दिया कि बेटी की जिम्मेदारी से सुबूतदोष होने के बाद आप फारिग हो जाते हैं? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ये लोग तो पता नहीं कब अपने माइंड मेकअप करेंगे। इन द मीन टाइम आयजा का कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। नहीं नहीं भाई, उसकी अम्मी को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नाइस वुमन। नहीं भाई, आप क्यों तकल्लुफ करेंगे? मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरुणा से तो मैं बात कर सकती हूँ।
बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है ना। Hey, you're gonna make me fat, huh? इनके और इनकी रेसिपीज जो है मारदार। रूना, अरे यार लिसन टू मी, मेरी बात तो तुम सुनो। रूना यार बात तो करो, भागी कहाँ जा रही हो यार? सीरियसली मैं उसको नहीं जानता भाई, पता नहीं वो वहां पे कैसे आ गई थी। अगर तुम उसे नहीं जानते तो कैसे आ गई थी वहां से? तुमने ही लिफ्ट कराई होगी ना, लिफ्ट नहीं कराते तो कैसे जरूरत होती उसकी आने की? तुम सच सुनना चाहती हो ना? असल बात पता है क्या है कि मैं तुमसे डर गया था। तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? सच ये कि मैं उससे एक बार पहले मिला था और वो इतनी होपलेस थी कि मैं तो उसको दोबारा जिक्र भी नहीं करना चाहता था। जब जिक्र इतना मुश्किल है तो मिलना तो बहुत ही दूर की बात है यार, वरना मैं तुमसे बात छुपा सकता हूँ? हाउ कैन आई हाइड इट फ्रॉम यू, फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड? तुम जानती हो मुझे। अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा है तो आई एम सॉरी रूना, आई एम रियली सॉरी। मैं कान पकड़ रहा हूँ, सॉरी। ऑन योर नीज। नीज? सॉरी, प्रॉमिस करो आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगा। सॉरी, माफ कर दो। सॉरी 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 नो सॉरी सॉरी सॉरी। तुम क्या कर रहे हो? किस बात पे हंस रहे हो? क्या हो रहा? अंकल आप तो जानते हैं रूना की और मेरी इस तरह की लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। नथिंग सीरियस है ना रूना? पता तुम दोनों को यूं देख के ना मुझे फिरोजा याद आ जाती है, क्योंकि उसकी और मेरी यूं ही नोक झोंक चलती थी और यूं नाराज होती थी वो और यूं मान जाती थी। पता तुम दोनों को यूं हंसता देख के ना बहुत अच्छा लग रहा। और बेटा दैट रिमाइंड्स मी, तुम जाके अपने खाकान अंकल से मिल लेना, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। और बिफोर दैट ये जरा चख के देखो, ये मैंने अभी नई रेसिपी से बेक किया है, और अगर तुम इसको पास कर दोगी तो फिर हम कल रात के डिनर में इसको स्वीट डिश के तौर पे, डेजर्ट के तौर पे रख लेंगे, है ना? ठीक, तुमने जोए को बुलाया है ना? कल डिनर हमारे यहाँ या आपके यहाँ? भाई हमारे यहाँ होगा यार, कैसी बातें करते हो तुम। थैंक यू अंकल। जब तुम बाबा से मिलो तो प्लीज उनसे कहना कि मुझ पर ट्रस्ट किया करें, मुझ पर इतबार करें, मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा, मैं आई एम अ गुड बॉय ना हो यार। बाय द वे कल डिनर क्यों तुम्हारे यहाँ? असर और उसकी मम्मी के लिए। बाबा दीज आर टू स्वीट। मामा ये देखें कैसा लग रहा है, ये वाला और मे बी दिस वन, ये ज्यादा मुझे लगता है बेटर है। देयर ओके बट यू नो बहुत कैजुअल है। तो मिसेस अजाम का तो पता है ना, शी इज सो ब्रांड कॉन्शियस, उसको बहाना चाहिए गॉसिप करने का। अगर वो इतनी डिफिकल्ट है तो उनका बेटा आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आजकल के बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अपने आप ही को देख लो, कोई फैशन सेंस नहीं है तुम्हें, और जहे भी बिल्कुल नॉन सीरियस, नथिंग लाइक हिज डैड। पापा के सामने आप हर वक्त भाई को डिफेंड करती रहती हैं, उनके सामने भी बोला करें ना भाई की वीकनेसेस। बिकॉज बाबा नोज कि भाई ही मेरी वीकनेस है। खैर आप ये सारी बातें छोड़ें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। वैसे भी मैं मिसेज निजाम को सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। ये नहीं अच्छे, मैं कोई और ट्राई करती हूँ। आई गेस आई एम गोइंग।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सच पूछो जुहैब, तो मेरा तो बिल्कुल इरादा था कि मैं जाके उससे मिल लूं, लेकिन जब मैंने उससे जाके मिलने का सोचा तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। कैसे मैं उसका सामना कर लेती? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज उसने किसको घर पे अपने डिनर पे इनवाइट किया? किसको? अरुणा की पसंदीदगी के बावजूद जुहैब एक बार फिर मिला गुची से। क्या जुहैब दे रहा है अरुणा को धोखा? देखिए ब्रेक के बाद। असर जी। मम्मी बेटा मैं एक बात सोच रही थी, से तुम मुझे दाद दो मेरी प्लानिंग की। जैसी उस लड़की को पता चला है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो, देखा कैसे बुलाया फौरन हम लोगों को डिनर पे। अब मेरा उस घर में कदम पड़ा नहीं तो इसकी मंगनी तो टूटी की टूटी। मम्मी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। देयर समथिंग रॉन्ग। क्या गलत है इसमें बेटा? हम कौन सा किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? जो होगा सबकी रजामंदी से ही होगा ना। क्या बात कर रहे हो? अच्छा प्लीज जल्दी से रेडी हो जाएं। I'm almost done। अच्छा अच्छा, मैंने सिर्फ जूते पहने और वो बन गई ब्राउनीज जो उनके बाबा के लिए बना। टाटा। दिस लुक सो नाइस, दिस स्मेल सो नाइस, कैन आई हैव अ बाइट? नो नो नो, राइट नाउ। आप पहले तैयार हो जाएं, उसके बाद इस पहले तैयार हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। लेट मी वेयर माय शूज और तुम ये पैक करो। And we're done. Okay. तो तुमने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम आइंदा मुझसे नहीं मिलोगे? मुझे उसे कोई यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, और इसी अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा के आज अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे साथ मैं किसी डेट पे नहीं आया। आज मैं वन रोड स्ट्रीट जाना ही नहीं चाहता। What? क्या मैं तुम्हारे टाइम पास हूँ? प्लीज यार बी अंडरस्टैंडिंग। जब तक वो वहां पर, मैं नहीं जाना चाहता वहां पे। कौन है वहां पर? उसकी प्रेजेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा मम्मी। मम्मी कहाँ जा रही है? कोई बात नहीं, they're expecting us। मम्मी just wait a little। हाँ अच्छा ठीक है। I don't know what's becoming so. Tall? Oh my god. Sorry, I'm not going to bath for some reason. I'm not going to bath for मम्मी आप जानती हैं ने? नहीं बेटा। आप लोग जानते हैं दूसरे को? ये असर आपके लिए देख करके लाया है, शुक्रिया। आप वेल कम इन, आइए। मिसेस निजाम, सच अ प्लेजर। बिल्कुल ठीक, लेकिन मिसेस तो मैं रही नहीं, बहुत अच्छे से सिंगल हूँ। यू कैन कॉल मी आयशा। हेलो आंटी। हाय बेटा। थकान, मैं आपको कह रही थी ना, असर इज माता। नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज। एंड असर, वेलकम। ओके वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स द जरूर सर। हाँ हाँ नहीं कुछ नहीं बेटा, चलो
जूबी, अब हम क्या यहीं फंस गए? हम बाहर कैसे जाएंगे? यार पुलिस को तो इन्फॉर्म करना होगा ना। मोबाइल से बोलेंगे। कोई जरूरत नहीं है तुमको बाहर जाने की, वो इतने खतरनाक लोग लग रहे थे। अब तो वो जा भी चुके होंगे, लेट्स गो, चलो। सजी दरवाजा तो वो लॉक करके चले गए। क्या मतलब दरवाजा लॉक करके चले गए? यानी हम पूरी रात के लिए यहीं फंस गए। तो एक काम करो, तुम लैंडलाइन से किसी को कॉल करके बुला लो। लैंडलाइन तो वो काट गए से। भाई तुम्हारी तो हर वक्त घर में तारीफें होती हैं, माशाल्लाह काफी टैलेंटेड हो आप। थैंक यू वेरी मच अंकल। मेरे ख्याल से टैलेंटेड लोग ही दूसरों को टैलेंटेड समझते हैं। एक सेकंड में होगा। राफिया आपका बेटा नहीं नजर आ रहा। अरुणा जरा देखना बेटा। हाँ, I have just gone calling him. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जोहेब, ऊपर से फोन बंद कर दिया, नहीं आना था तो ना आते। Sorry, the number you have dialed is powered off. क्या हुआ, किसे कॉल करी हो? तुमने जोहेब की हरकत को देखा है? क्यों, क्या हुआ? नहीं आया ना डिनर पे, उसे होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ कहते तुम ठीक रही हो, कम से कम मेरे लिए तो होना चाहिए था आज उसे यहाँ। तुम्हारे लिए क्यों? तो और क्या, ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं क्या? क्या आयजा इम्प्रेस कर पाएगी असर और उसकी अम्मी को? देखिए ब्रेक के बाद। थैंक यू। एक्चुअली हमारी बेटी आयजा ना बहुत टैलेंटेड है। वो क्या है कि बिल्कुल आपकी बेटी की तरह आउटस्टैंडिंग इन हर एकेडमिक्स, हमेशा एज लाती है। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन क्या है ना, बस लड़कियों के नसीब बच्चे होने चाहिए। अब भाई शादी से पहले गुण तो मुझ में भी बहुत थे, और जो शादी से पहले वाली आयशा को जानते हैं ना, अगर उनसे कभी पूछ के देखे तो आपको पता चले। असल में मेरी शादी सही जगह पे नहीं हुई। क्यों, उस जमाने में क्या अच्छी जगह नहीं थी शादी के फंक्शंस के लिए? अरे नहीं नहीं, इनकी शादी तो एक बहुत बड़े फार्म हाउस में हुई थी। आप थे क्या इनकी शादी पे? असल में राफिया इनका मतलब ये है कि हमारे वक्तों में जब शादी होती थी ना तो उस वक्त फार्म हाउसेस बहुत कम थे, और एक ही वक्तों के हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही एज ग्रुप के हैं। तो लेकिन मम्मी वो मैं इनकी बेटी से तो बड़े ही हूँ, यूनिवर्सिटी में भी सीनियर हूँ। हाँ वो भी सीनियर थे मुझसे यूनिवर्सिटी में, क्या अजीब इत्तेफाक है। सेकंड मॉम, आपने मुझे बताया था कि आप डैड को पहली बार शादी पे मिली थी, अपनी शादी पे, यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ बेटा, डैडी को तो तभी मिली थी आपके में। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स स्वीटहार्ट, आप नहीं जानते हैं, नेवर माइंड। वो लड़कियां कहाँ गई भाई? वेयर आर द गर्ल्स? हाँ नहीं मैं बुलाता हूँ। अरुणा, अरुणा बेटा। एक्चुअली मैं एहसान भाई से यही कह रही थी कि मिसेस निजाम, आयशा, आई मीन आयशा, मेरी इतनी करीबी दोस्त हैं, कब से कैफे आ रही हैं? करीबी तो जी आपकी। हाँ
कितनी बुरी है ये रूना, तो जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी डिनर पे इनवाइट कर लेती। और इसको देखो कितने मजे से फेसबुक पे स्टेटस लिख रहा है कि अरुणा के घर जा रहा हूँ मम्मी के साथ, और इसके बाबा के लिए शुगर फ्री कुकीज बेक करके। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, हाउ चीप। Thank you. I know, but इतना तकल्लुफ किया आप लोगों ने, seriously. चलो मम्मी. हाँ, चलते हैं. अच्छा अंकल. हाँ अच्छा बेटे. Very nice meeting you. पहली बार आपसे जब मुलाकात हुई थी तो बहुत अच्छा लगा. और इस दफा मिलके और अच्छा. Thank you so much for coming, auntie. And I would love to meet all of you again. मेरा ख्याल में हम सबको इसी तरह हंसी खुशी मिलते रहना चाहिए. Yeah, we would love to have you. Yes. Of course. We must continue. चले गाड़ी तक छोड़ाइए. हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ाऊँ? नहीं, अच्छा हम सब चलते हैं. आइए आइए आइए. आपकी वो सुहेब साहब फिर नहीं आए? हाँ उसने मैसेज कर दिया था दैट ही इज बिजी, ही वोंट बी एबल टू कम. चलिए अगर आ जाता तो अच्छा होता, मुलाकात ही हो जाती. आई नो, चलो मेबी नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट. फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जो आए जख्मकारी है. सारी दुनिया समझती है कि मैं एक नाकाम शादी से गुजरी हूँ. हाँ सच है, लेकिन मोहब्बत में कितनी कामयाब हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ. और मेरा खुदा, आज भी तुम्हारी मोहब्बत में हूँ, और मुझे यकीन है तुम जहाँ कहीं भी हो मेरी ही मोहब्बत में होगे. तुमने आज भाई को खूब डिफेंड किया, कोई खास बात? मैं हमेशा उसे डिफेंड करती हूँ आयजा. तुमने बाबा के सामने भी झूठ बोला कि तुमने उसे किसी काम से भेजा था, और तुम्हें पता है कि वो अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी ऑफ है.
हाँ मुझे पता है क्यों है उसका फोन बंद। क्यों ऑफ है? मेरी वजह से, अपसेट है मुझसे। और तुम श्योर हो कि वो किसी और के साथ नहीं है? हाँ मुझे यकीन है ऐसा। ओके फिर ठीक है, कल बात होती है, बाय। गुड नाइट। आप अच्छी बताओ, वो जो जुहेब के बारे में तुमने बात कही थी वो ठीक थी? आपको क्या लगता है? कुछ कुछ ठीक लगती है, कुछ कुछ नहीं लगती। कुछ ऐसे ही है बाबा। आई थिंक जुहेब बहुत हर्ट हो गया तुमसे। जी मुझसे। और ये बात तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही? Obviously not. वैसे यार उसे डिनर पे आ जाना चाहिए था, ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था, है ना? Which reminds me, आपको आंटी कैसी लगी? मुझे क्यों लगता है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं? शश बोलो। तुम्हारी अम्मी उसका जिक्र बर्दाश्त नहीं करते, सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ तो ये वो है। शश बोलो ना यार। हमा देखिए, आपको एक वादा करना होगा, अब आप बाप बेटी की बात में बिल्कुल नहीं करते। अगर आप इतनी पोजेसिव थी बाबा के बारे में तो आप क्यों छोड़ के गई उन्हें? हाँ he's alone now and I think he deserves her. कर ली मैंने बात, डोंट वरी, अब अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। इसको तो छुपाओ। So you like her ना? कुछ नहीं कह रहा मैं। तो ठीक है आपकी? हाँ जी बेटा। आप क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं बस अभी आया था, म्यूजिक की आवाज सुनी थी। I'm so sorry, मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। Are you sure you're okay? Should I get you something? Just need to be alone. Okay. थोड़ा सा आराम कर ले। Good night. आयशा और एहसान हारूनी के बीच पुरानी जान पहचान में क्या है ऐसा राज, देखिए ब्रेक के बाद। कैसा लगा? ब्राउनी? नहीं असर। अच्छा है लेकिन खराब, बात तो उनकी तरफ से इनिशिएट होनी चाहिए। हाँ वो तो हो जाएगी, तुमने देखा नहीं था ऐसा कितनी प्यारी लग रही थी। मैं तो कुछ और देख रहा था। हाँ वैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया,
तुम्हें लगा कि मिसेस निजाम एहसान भाई के साथ कुछ ज्यादा फ्री हो रही थी ना? खैर सभी ऑब्जर्व कर रहे थे कि आयजा के बजाय वो अरुणा और खास तौर पे एहसान भाई की तरफ कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेशन थी। व्हाट डू यू थिंक, लव एट फर्स्ट साइट? नॉट एट ऑल, ये लव एट फर्स्ट साइट तो कभी नहीं हो सकता। सो व्हाट डू यू थिंक, कोई हिस्ट्री है क्या? एटलीस्ट केमिस्ट्री तो साफ साफ नजर आ रही है। स्माइल तो कर रही हो, चलो ये थोड़ा केक भी ट्राई कर ही लो, थोड़ा सा है? चलो मैं ही खा लेता हूँ। जब तक तुम जिंदा थी एक दफा भी मुझे उसका ख्याल नहीं आया, और ना ही मैंने कभी उसका पता करने की कोशिश की है। ये तो महज इत्तेफाक है ना कि वो उस लड़के की मां निकल आई। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ तो हमेशा इत्तेफाक ही हुआ है। कान खोलकर सुन लो मिस्टर एहसान हारूनी, मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, वो अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। कमाल करती हो भाई, वो लड़का अरुणा का क्लास फेलो है, यूनिवर्सिटी का दोस्त है, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको? अरुणा को मना करना मेरा काम है, तुम पहले अपना किबला तो दुरुस्त करो। मेरा किबला हमेशा से दुरुस्त रहा है फिरोजा बेगम, और तुम अब पता नहीं किस बात पे इतनी जलस हो रही हो अब तक? अरुणा की बच्ची, तुमने मुझे डिनर पे क्यों नहीं बुलाया? मेरी कॉल है। फोन ही नहीं उठा रही, क्या मसला? हॉरिबल।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या खाओगे नाश्ते में? स्क्रैम्बल्ड एग्स और स्मूदी बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड। हाउ आर यू? आओ कम जॉइन अस। सिट। हाँ भाई खैरियत है? बिल्कुल खैरियत अंकल। वो रात डिनर पर अच्छा रहा ना? कितना मजा आया। हाँ डिनर वाज ग्रेट। हैव सम फूड, दिस इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। कम ऑन। जी आई विल इन अ बिट। वो जूबी कहाँ है आंटी? हाँ वो रात भी नहीं आया था। नहीं बहुत देर हो गई उसको रात को। आई डोंट नो कहाँ था। एहसान की तबीयत कैसी है? आई होप कि कल ज्यादा बदपरहेजी तो नहीं कर ली उसने। नहीं नहीं बाबा बाबा बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई जरा अखबार तो दो। अखबार लें लेकिन मुझे कंट्रोल दें, जल्दी दें। ये लो सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। खुश? एक्चुअली वो आज का मॉर्निंग शो है ना, उस पे हमारा कुक क्या नाम है अफजल, उसका इंटरव्यू आ रहा है। I have to watch. लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। Never mind. जी तो नाज़रीन ये हैं वो लोग जो रात भर इस रेस्टोरेंट में यरगमाल बने रहे। मिसेस निजाम आई थी दोबारा से कैफे। Go for it. I don't have any issue. पूछते हैं कि रात भर इन पे क्या बीती। जी जी हम रात को अपने दोस्तों के साथ आए थे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो हमारे वॉलेट भी ले गए और हमारे मोबाइल भी ले गए और हम किसी के साथ कॉन्टेक्ट करने के काबिल नहीं रहे, ना कोई पुलिस यहाँ पे आई। सुनिए प्लीज, सॉरी आप कुछ कहना चाहें? जी वो सारी रात उन्होंने हमें बस पकड़े रखा वहाँ पे, हम लोग बंद थे, फिर वो हमारे मोबाइल्स भी ले गए, हमारे बैग्स भी ले गए, कुछ भी नहीं था हमारे पास और रेस्टोरेंट भी अंदर से लॉक था। इतने परेशान हुए कि नो इंटरव्यूज प्लीज, नो इंटरव्यूज प्लीज। सुनिए सॉरी जी आप बताइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो ना नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं आंटी इट्स ओके मुझे जाना है। उस समय सिर्फ इसलिए मिलने गया था क्योंकि मुझे उसे ये बताना था कि मैं आइंदा उससे कभी नहीं मिलूंगा और वो भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। दैट्स इट। सो ज़ुहेब तुम टेक्स्ट भी कर सकते थे। मैंने दोस्ती खत्म करने को तो नहीं कहा, सिर्फ मंगनी ही तोड़ी है और इसका हक मुझे होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, आप माने ना माने अरुणा उस लड़के में इंटरेस्टेड है। आपने नोटिस नहीं किया था किस तरह से एहसान भाई और अरुणा उसकी माँ के पीछे पीछे फिर रहे थे डिनर के दिन? आयशा की शादी का मुझसे क्या ताल्लुक है? मैंने तो आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, रिमेम्बर आई टोल्ड यू? यही बात तो आंटी और आयशा को बतानी है अर्जेंटली। असर और उसकी मम्मी के लिए। बाबा दीज आर टू स्वीट। मामा ये देखें कैसा लग रहा है? ये वाला मेबी दिस वन, ये ज्यादा मुझे लगता है बेटर है। देयर ओके बट यू नो बहुत कैजुअल है। तुम्हें मिसेस अजाम का तो पता है ना, शी इज सो ब्रांड कॉन्शियस, उसको बहाना चाहिए गॉसिप करने का। अगर वो इतने डिफिकल्ट है तो उनका बेटा आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आजकल के बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अपने आप ही को देख लो, कोई फैशन सेंस नहीं है तुम्हें। और ज़ुहेब भी बिल्कुल नॉन सीरियस, नथिंग लाइक हिज डैड। पापा के सामने आप हर वक्त भाई को डिफेंड करती रहती हैं, उनके सामने भी बोला करें ना भाई की वीकनेसेस। बिकॉज़ बाबा नोज के भाई ही मेरी वीकनेस है। खैर आप ये सारी बातें छोड़ें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। वैसे भी मैं मिसेज निजाम को सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ।
ये नहीं अच्छे, मैं कोई और ट्राई करती हूँ। I'm going. सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सच पूछो जोहेर, तो मेरा तो बिल्कुल इरादा था कि मैं जाके उससे मिल लूं, लेकिन जब मैंने उससे जाके मिलने का सोचा तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। कैसे मैं उसका सामना कर लेती? तुम्हें पता, तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज उसने किसको घर पे अपने डिनर पे इनवाइट किया? किसको? अरुणा की पसंदीदगी के बावजूद जोहेब एक बार फिर मिला गुची से। क्या जोहेब दे रहा है अरुणा को धोखा? देखिए ब्रेक के बाद। असर जी। मम्मी। बेटा मैं एक बात सोच रही थी, से तुम मुझे दाद दो मेरी प्लानिंग की। जैसी उस लड़की को पता चला है कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो, देखा कैसे बुलाया फौरन हम लोगों को डिनर पे। अब मेरा उस घर में कदम पड़ा नहीं तो इसकी मंगनी तो टूटी की टूटी। मम्मी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। There's something wrong. क्या गलत है इसमें बेटा? हम कौन सा किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? जो होगा सबकी रजामंदी से ही होगा ना। क्या बात कर रहे हो? अच्छा प्लीज जल्दी से रेडी हो जाएं। I'm almost done. अच्छा अच्छा, मैंने सिर्फ जूते पहने और वो बन गई ब्राउनीज जो उनके बाबा के लिए बना। टाटा। दिस लुक्स सो नाइस, दिस स्मेल्स सो नाइस, कैन आई हैव अ बाइट? नो नो नो, राइट नाउ आप पहले तैयार हो जाएं, उसके बाद इस पहले तैयार हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूं। एंड लेट मी वेयर माय शूज और तुम ये पैक करो। And we're done. Okay. तो तुमने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम आइंदा मुझसे नहीं मिलोगे? मुझे उसे कोई यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, हमारी आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग है। उन्हें अच्छा, और इसी अंडरस्टैंडिंग का फायदा उठा के आज अभी तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे साथ मैं किसी डेट पे नहीं आया। आज मैं वन रोड स्ट्रीट जाना ही नहीं चाहता। What? क्या मैं तुम्हारे टाइम पास हूँ? Please यार be understanding. जब तक वो वहाँ पर, मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। कौन है वहाँ पर? ये असर और उसकी अम्मी को देखिए ब्रेक के बाद। थैंक यू। एक्चुअली हमारी बेटी आयजा ना बहुत टैलेंटेड है। वो क्या है कि बिल्कुल आपके बेटे की तरह आउटस्टैंडिंग इन हर एकेडमिक्स, हमेशा एज लाती है। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन क्या है ना, बस लड़कियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। अब भाई शादी से पहले गुण तो मुझमें भी बहुत थे, और जो शादी से पहले वाली आयशा को जानते हैं ना, अगर उनसे कभी पूछ के देखे तो आपको पता चलेगा। असल में मेरी शादी सही जगह पे नहीं हुई। क्यों? उस जमाने में क्या अच्छी जगह ही नहीं थी शादी के फंक्शंस के लिए? अरे नहीं नहीं, इनकी शादी तो एक बहुत बड़े फार्म हाउस में हुई थी। आप थे क्या इनकी शादी पे? असल में राफिया, इनका मतलब ये है कि हमारे वक्तों में जब शादी होती थी ना तो उस वक्त फार्म हाउसेस बहुत कम थे, और एक ही वक्तों के हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही एज ग्रुप के हैं। तो मैं इनकी बेटी से तो बड़ा ही हूँ, यूनिवर्सिटी में भी सीनियर हूँ। हाँ वो भी सीनियर थे मुझसे यूनिवर्सिटी में। क्या अजीब इत्तेफाक है। सेकंड मॉम, आपने मुझे बताया था कि आप डैड को पहली बार शादी पे मिली थी, अपनी शादी पे, बट
यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ बेटा, डैडी को तो तभी मिली थी आपके में। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स स्वीटहार्ट, आप नहीं जानते हैं, नेवर माइंड। लड़कियां कहाँ गई बे? Where are the girls? हाँ नहीं, मैं बुलाता हूँ। अरुणा, अरुणा बेटा। एक्चुअली मैं एहसान भाई से यही कह रही थी कि मिसेज निजाम, आयशा, मेरी इतनी करीबी दोस्त हैं, कब से कैफे आ रही हैं? करीबी तो जी आपकी। कितनी बुरी है ये रूना, तो जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मुझे भी डिनर पे इनवाइट कर लेती। और इसको देखो कितने मजे से फेसबुक पे स्टेटस लिख रहा है कि अरुणा के घर जा रहा हूँ मम्मी के साथ, और इसके बाबा के लिए शुगर फ्री कुकीज बेक करके। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ, हाउ चीप। Thank you. I know, but it's not a kaluf ki aap logon ne, seriously. Chalo mummy. Haan, let's go. Achha uncle. Haan, achha bete. Very nice meeting you. Pehli baar aap se jab mulaqat hui thi to bahut achha laga. Aur ye dafa milke aur achha laga. Thank you so much for coming, auntie. And I would love to meet all of you again. मेरा ख्याल में हम सबको इसी तरह हंसी खुशी मिलते रहना चाहिए। Yeah, we would love to have you. Yes. Of course, of course, of course. We must continue. चले गाड़ी तक छोड़ाइए। हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ाऊँ? नहीं, अच्छा हम सब चलते हैं। आइए आइए आइए। आपके वो जुहेब साहब फिर नहीं आए? हाँ उसने मैसेज कर दिया था दैट ही इज बिजी, ही वोंट बी एबल टू कम। चलिए अगर आ जाता तो अच्छा होता, मुलाकात ही हो जाती। आई नो, चलो मे बी नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ये लोग तो पता नहीं कब अपने माइंड मेकअप करेंगे। इन द मीन टाइम आयजा का कहीं ना कहीं रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। नहीं नहीं भाई, उसकी अम्मी को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नाइस वुमन। नहीं भाई, आप क्यों तकल्लुफ करेंगे, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरुणा से तो मैं बात कर सकती हूँ, बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है ना। Hey, you're gonna make me fat, huh? इनके और इनकी रेसिपीज जो है मार डाल। रूना, अरे यार लिसन टू मी, मेरी बात तो तुम सुनो। रूना यार बात तो करो, भागी कहाँ जा रही हो यार? सीरियसली मैं उसको नहीं जानता भाई, पता नहीं वो वहां पे कैसे आ गई थी। अगर तुम उसे नहीं जानते तो कैसे आ गई थी वहां से? तुमने ही लिफ्ट कराई होगी ना, लिफ्ट नहीं कराते तो कैसे जरूरत होती उसकी आने की?
तुम सच सुनना चाहती हो ना? असल बात पता है क्या है कि मैं तुमसे डर गया था। तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? तुम सच्चाई जानना चाहती हो ना? सच ये कि मैं उससे एक बार पहले मिला था और वो इतनी होपलेस थी कि मैं तो उसको दोबारा जिक्र भी नहीं करना चाहता था। जब जिक्र इतना मुश्किल है तो मिलना तो बहुत ही दूर की बात है यार, वरना मैं तुमसे बात छुपा सकता हूँ? हाउ कैन आई हाइड इट फ्रॉम यू, फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड? तुम जानती हो मुझे। अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा है तो आई एम सॉरी रूना, आई एम रियली सॉरी। मैं कान पकड़ रहा हूँ, सॉरी। On your knees. Knees? Sorry. Promise करूँ आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगा। Sorry. माफ कर दो। Sorry. 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 No. Sorry. 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 तुम क्या कर रहे हो? किस बात पे हंस रहे हो? क्या हो रहा? अंकल आप तो जानते हैं रूना की और मेरी इस तरह की लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। नथिंग सीरियस है ना रूना? पता तुम दोनों को यूं देख के ना मुझे फिरोजा याद आ जाती है, क्योंकि उसकी और मेरी यूं ही नोक झोंक चलती थी और यूं नाराज होती थी वो और यूं मान जाती थी। पता तुम दोनों को यूं हंसता देख के ना बहुत अच्छा लग रहा। और बेटा दैट रिमाइंड्स मी, तुम जाके अपने खाकान अंकल से मिल लेना, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। और बिफोर दैट ये जरा चख के देखो, ये मैंने अभी नई रेसिपी से बेक किया है, और अगर तुम इसको पास कर दोगी तो फिर हम कल रात के डिनर में इसको स्वीट डिश के तौर पे, डेजर्ट के तौर पे रख लेंगे, है ना? ठीक, तुमने जोए को बुलाया है ना? कल डिनर हमारे यहाँ है आपके यहाँ? भाई हमारे यहाँ होगा यार, कैसी बातें करते हो तुम। थैंक यू अंकल। जब तुम बाबा से मिलो तो प्लीज उनसे कहना कि मुझ पर ट्रस्ट किया करें, मुझ पर इत्तबार करें, मैं ऑफिस भी ज्वाइन करूंगा, मैं आई एम अ गुड बॉय ना हो यार। बाय द वे कल डिनर क्यों तुम्हारे यहाँ? रूना, ये तो मुझसे किस तरह बात कर रही हो? क्या तुम्हारा फ्यूचर खाकान ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ? मेरा क्यों ताल्लुक होगा? एक्सक्यूज मी, हाय। चलो अब ये मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। यू नो हमारा इस तरीके से बार बार मिलना आई गेस तुम्हारे दोस्तों को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और मैं ये नहीं चाहता कि ये बात तुम्हारे घर तक पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि पहुंचे। कुछ ही तुम, आई कांट बिलीव इट्स यू, इतने सालों गुजर गए। नहीं जोहेब, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती हुई लड़कियां नहीं भूल सकती। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, जस्ट लाइक यू। अम्मी की याद आ रही थी बाबा। अम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। देखो बेटा, मैं तुम्हें जितना भी प्यार दे दूं ना, तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकता। अच्छा बताओ क्या हुआ है? कोई बात तो है जो तुम अपने बाबा से छुपा रहे हो? सोहेब को फसूल में इतनी डांट पड़वा दी,
अंकल ने बहुत डांटा होगा उसको। क्यों किया तुमने ऐसा बेटे? What happened? I don't know. मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने क्यों किया ऐसा। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया। सब ठीक हो जाएगा ना। अच्छा ये तस्वीर तो दिखाओ। Who is this handsome man with your mother over here? Huh? He's my mother's boyfriend. See? मुझे खुशी होती है जब तुम कहती हो मेरे पापा हैं। आप की तरह लग रहे हैं वैसे थोड़े से। बोलो। मैं चलता हूँ और आप तुम भी सोचो मेरे लिए भी। सो जाओ। I love you भाई। I love you पापा। सो जाओ। बाद में बात करेंगे, ओके? Good night. Give my love to your mom. I भैया आपको क्या फिक्र? हाँ अरुणा तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, आप आराम करें। चलो ये भी खूब कही आपने। भैया आपने ये किससे कह दिया कि बेटी की जिम्मेदारी से सुदूरदोश होने के बाद आप फारिग हो जाते हैं? उसकी प्रेजेंस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा मम्मी, मम्मी कहाँ जा रही है? कोई बात नहीं, they're expecting us. मम्मी, just wait a little. हाँ। अच्छा ठीक है। I don't know, must be coming soon. तो? मम्मी आप जानती हैं नहीं बेटा? आप लोग जानते हैं दूसरे को? ये असर आपके लिए देख करके लाया है, शुक्र भी। वेल कम इन, आइए। मिसेस निजाम, सच अ प्लेजर। बिल्कुल ठीक, लेकिन मिसेस तो मैं रही नहीं, बहुत अच्छे से सिंगल हूँ। यू कैन कॉल मी आयशा। हेलो आंटी। हाय बेटा। थकान, मैं आपको कह रही थी ना, असर इज मदर। नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज। एंड असर, वेलकम। ओके, वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आई थिंक लेट्स मूव टुवर्ड्स द जरूर सर। कोई जरूरत नहीं है तुमको बाहर जाने की, वो इतने खतरनाक लोग लग रहे थे। अब तो वो जा भी चुके होंगे, लेट्स गो। चलो सजी, दरवाजा तो वो लॉक करके चले गए। क्या मतलब दरवाजा लॉक करके चले गए? यानी हम पूरी रात के लिए यहीं फंस गए?
तो एक काम करो, तुम लैंडलाइन से किसी को कॉल करके बुला लो। लैंडलाइन तो वो काट गए से। भाई तुम्हारी तो हर वक्त घर में तारीफें होती हैं, माशाल्लाह काफी टैलेंटेड हो आप। थैंक यू वेरी मच अंकल, मेरे ख्याल से टैलेंटेड लोग ही दूसरों को टैलेंटेड समझते हैं। एक मिनट में होगा। राफिया आपका बेटा नहीं नजर आ रहा। अरुणा जरा देखना बेटा। हाँ आई हैव जस्ट गॉन कॉल हिम। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जोए, ऊपर से फोन बंद कर दिया, नहीं आना था तो ना आते। Sorry, the number you have dialed is powered off. क्या हुआ, किसे कॉल कर रही हो? तुमने सुहेब की हरकत को देखा है? क्यों, क्या हुआ? नहीं आया ना डिनर पे, उसे होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ कहते तुम ठीक रही हो, कम से कम मेरे लिए तो होना चाहिए था आज उसे यहाँ। तुम्हारे लिए क्यों? तो और क्या, ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं क्या? क्या आयजा इंप्रेस कर पाएगी?